कुछ भी मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपने मोहित शर्मा एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा करता है, दिल से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। और जो लोग चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाने, क्योंकि लगातार अपडेट मिलती रहती है। राजस्थान में 5 सरकारी कृषि विश्वविद्यालय जिनमें समय समय पर टीचिंग और टीचिंग की वैकेंसी आती रहती है, ठीक है ना। तो इनमें से जो है अभी फिलहाल एस के एनू 2023 में आपकी नॉन टीचिंग की वैकेंसी आई है, जिसमें से ये जो सिलेबस है ये आपका कृषि पर्यवेक्षक का सिलेबस है। अब ये जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म मतलब इसका जो एडवर्टाइजमेंट है एस के एनू 2023 का, यदि वो वीडियो आपको देखने की कंप्लीट जानकारी लेनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, उसको देख लीजिए, कंप्लीट जानकारी वहाँ पर बताई गई है, ठीक है ना। आपके कंप्लीट डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका एस के एन यू 2023 नॉन टीचिंग वैकेंसी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का ये क्या सिलेबस है, ठीक है ना। तो सिलेबस इससे पहले MPUT में भी नॉन टीचिंग की वैकेंसी निकली थी, तो उस टाइम भी मैंने आपको कंप्लीट शुरू से लेकर के एंड तक अपडेट दी थी, और उसकी जो एग्ज़ाम है वो भी आपकी हो चुकी है 12 मई 2023 को एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र MPUT वाली, ठीक है ना। तो उसका जो पेपर सॉल्यूशन वो आपको जल्दी इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, कुल मिला के बात ही विद ऑफिशियल आंसर की एकदम धमाकेदार अंदाज में, ठीक है, कुल मिला के बात ये। और अब उस MPUT में जब कृषि पर्यवेक्षक का जो सिलेबस था, उस सिलेबस में क्या था कि एग्रीकल्चर वगैरह आपको तो एग्रीकल्चर और हिंदी तो मतलब सिलेबस बराबर था, जो कि अधीनस्थ बोर्ड का सिलेबस है वो बराबर सिलेबस, लेकिन जो GK का सिलेबस है वो आपका थोड़ा डीप था, अलग टॉपिक थे, ठीक है नहीं। लेकिन SKNU में ऐसा नहीं है, SKNU में लगभग ये जो सिलेबस है ये आपका अधीनस्थ बोर्ड से बिल्कुल भी मैच खाता है, ठीक है नहीं। अधीनस्थ बोर्ड से ये जो सिलेबस है वो मैच खाता है, और ये अधीनस्थ बोर्ड का जो सिलेबस है वो की वही सिलेबस आपका ये SKNU एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, ठीक है ना। कुल मिला के बात ये, तो MPUT वाला जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर है वो आपको जल्दी मैं सोल्यूशन करा के डालूंगा, ठीक है ना, कुल मिला के बात ये। तो अब ये जो अब इसमें जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर बताई गई है, ठीक है ना। इसको आप देख सकते हो परीक्षा की जो स्कीम है वो क्या है, ठीक है ना। तो लिखित परीक्षा में वैकल्पिक प्रकार का एक प्रश्न पत्र होगा, प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम के 3 भागों में प्रश्न होंगे, प्रश्न पत्र का जो अधिकतम पूर्णांक वो 300 अंकों का होगा, प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 100 होगी और प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे तथा गलत के लिए 1 अंक काटा जाएगा। परीक्षा में न्यूनतम जो उत्तीर्णांक है 40% निर्धारित है, इसमें इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। लिखित परीक्षा के अंकों का 80% एवं अकादमिक के 20 अंकों का 20% वेटेज होगा। इनमें प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेरिट वरीयता सूची बनाई जाएगी। पाठ्यक्रम के प्रत्येक भाग से प्रश्नों की संख्या निम्न प्रकार होगी, किंतु इनका क्रम होना आवश्यक नहीं होगा। तो अभी जो SKNU 2023 की जो नॉन टीचिंग की वैकेंसी निकली है, इसमें क्या है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस वो ये है कि लिखित परीक्षा होगी, जो आपके एकेडमिक नंबर है वो काउंट होंगे, और साथ ही साथ आपका इंटरव्यू वगैरह भी इसमें है, ठीक है नहीं। और अब आपकी जो क्वेश्चन है कितने आने वाले हैं, ठीक है नहीं। तो सामान्य हिंदी के 15 क्वेश्चन अंक 45 और राजस्थान GK के 25 अंक 75 और एग्रीकल्चर जो है आपकी अलग अलग पार्ट एग्रोनॉमी होर्टी और एनिमल हस्बेंड्री उसके साथ आएंगे, 180 नंबर ये हो गए। 300 अंक का कुल पेपर है, समय 2 घंटे, ठीक है नहीं। अब ये आपकी 12 अंक की गणना है जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है नहीं। अब इसका जो ये कंप्लीट सिलेबस है ये बता रखा है, ठीक है नहीं, कुल मिला के बात ये डिटेल में, ठीक है नहीं। अब ये जो सिलेबस है SKNU 2023 नॉन टीचिंग है, ये अधीनस्थ बोर्ड से बिल्कुल मिलता है, ठीक है नहीं। लेकिन MPUT वाले में कुछ GK के सिलेबस में कुछ अलग ही था, मतलब अलग ही डीप अलग टॉपिक थी सिलेबस से बाहर थी, लेकिन SKNU वाला बिल्कुल अधीनस्थ बोर्ड से मिलता है, ठीक है नहीं। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस है, ठीक है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है नहीं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके बाद में भाग दो में आपका राजस्थान GK का सिलेबस है, जिसके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये भी आपका कंप्लीट है, इसको देख सकते हो, ठीक है ना। उसमें आपका जो भाग 3 है वो है आपकी सस्य विज्ञान, जिसके आपके 20% आने वाले हैं एग्रोनॉमी के, वो आपका ये सिलेबस है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका उद्यानिकी, जिसके आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसका सिलेबस ये है, ठीक है ना। इसके अलावा आपका पशुपालन है, उसके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसका सिलेबस आपको ये दे रखा है, ठीक है ना, कुल मिला के बात ये। तो ये आपका जो सिलेबस है, अब ये जो सिलेबस है आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का, ठीक है ना, SKNU 2023 नॉन टीचिंग वैकेंसी का, ठीक है ना। तो ये आपका सिलेबस है, अब मैंने आपको बता दिया इसको आप जो है कहाँ से प्राप्त
कर सकते हो, ठीक है। नहीं ये जो ASKNU.ac.in साइट से भी प्राप्त कर सकते हो, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी ये उपलब्ध है। जैसी आपकी इच्छा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो। और यदि आपको जो है मतलब कंप्लीट जानकारी जाननी है इसकी SKNU की वैकेंसी की, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, कंप्लीट जानकारी आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कुल मिला के बाद ये कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार से लगातार अपडेट वगैरह मिलते। काफ़ी लोग क्या है कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते, फिर कमेंट करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना, ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपको समय से मिलते रहे, ठीक है। नहीं और जिन्होंने ऑलरेडी करा काम पता ही, दिल से हार्दिक आभार है, धन्यवाद। अब जो है MPUT में जो किसी परीक्षा का पेपर है उसकी जो ऑफिशियल आंसर की के साथ में मैं जल्दी उसके सॉल्यूशन के साथ में मिलूंगा, ठीक है। नहीं कुल मिला के बात ये, तो इसी प्रकार से देखते रहिए मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल, और हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक ले जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंदुस्तान।